ठीक है, तो बेसिक सब्जेक्ट जैसे आपके जो सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया यहाँ भी रखा, तो वो सब्जेक्ट पर आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी बेसिक सवाल आपसे पूछे गए उसके जवाब आपने अप टू मार्क छोड़िए जवाब दिए ही नहीं। ठीक है, गुड्स नहीं पता होना, ठीक है, जीडीपी का सही से नहीं पता होना, ये निगेटिविटी में आपको लेकर के जाएगा ना। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में तो सर बता दें आपको, थोड़ा आपका स्वभाव श्रृंखल टाइप का है, आप थोड़ा गंभीर अवस्था में हैं, जैसे नॉलेज अगर आपको नहीं तो परमिशन सॉरी ये सब आपके हैबिट में होना चाहिए, और वो भी एक पार्ट है। ठीक है, कितनी बेस्ट तरीके से हम बोल सकते हैं, और क्वेश्चन ना आए तो उसके बाद में क्या होता है, कैसे हमको बोलना है, तो इस चीज पर थोड़ा आप फोकस कीजिएगा। और एक और था कि बीच में कभी कभी आप जो है शुरू में आपका जो ये था कि कंटेक्ट एक ही तरफ मुखाते थे, मतलब एक ही तरफ आप देख के बात कर रहे थे, तो ये चीज़ें जो है आपको आगे सुधार कीजिएगा। बाकी और सब ठीक है, प्राइमरी नॉलेज थोड़ा सा वीक है, उसको भी आप स्ट्रॉन्ग सर जैसे बताए ना, टेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो वीक है, तो वो चीज़ होना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन आपसे मतलब वो आपके नेचर को देख के ही किया गया है, चेहरा पर आपका मायूसी आता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप प्रिविलेज हैं कि आपको मौका मिला है इतने सारे लोगों को, इसको प्रिविलेज मानिए। निर्णय शक्ति में भी कमी है, जैसे सर बोले थे ये क्वेश्चन प्रेम विवाह पर, तो आप उसके फैक्ट्स को नहीं जानती हैं, फिर भी उसके पक्ष में या विपक्ष में आप दी हैं जरा, ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। ठीक है सर, बोले आपसे कि आपके घर कोई आएगा, उनको जल्दी में कुछ भोजन बना के खिलाना है, कुकिंग आपकी हॉबी है, कुछ तो बताना चाहिए, कुछ नहीं तो हलवा ही बना के खिला दें, वो भी पौष्टिक में आता है। दूसरी बात, आप प्रेम विवाह के पक्ष में हैं, उसके दो तीन सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे कि दहेज प्रथा समाप्त होगी, जातिवाद समाप्त होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसके कुछ निगेटिव पक्ष भी हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसका आपके आने वाले पीढ़ी पे घर में छोटे सदस्य होंगे उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्वेश्चन एराइज हो सकता है। आई कांटेक्ट थोड़ी सी प्रॉपर वे में चाहिए, बाकी जो सिटिंग पोस्चर है सर बताए थे उसको फॉलो कीजिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है। बात करें उनसे, चलो अच्छी बात, कंफर्टेबल हो। देखो सबसे पहली बात करते हैं आपके निगेटिव की, तो निगेटिव क्या है कि जब आप इंटर की हो तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन आपके पूरे बाल लहरा रहे थे, बार बार कहते हैं कि कम से कम बाल को फेविकॉल से चपका के आओ, अगर नहीं कुछ रिबन में मिलता है तो बाल को ऐसे बांध रहे हैं कि बाल आपके चेहरे को डिस्टर्ब ना करे, वो हम लोग को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, और आप बार बार ओठ को दबा रहे थे, आपका ओठ सूख रहा होगा, कुछ कुछ में लिप बाम या कुछ लगा लेना या पानी वानी पी करके बैठना, और आपके चेहरे पर घबराहट बहुत था, पहला मौका था आपका है ना, उसका रीजन ये कि घबराहट था बहुत ज़्यादा, और आपको सूचना और न्यूज़ में अंतर नहीं पता है, सूचना अलग चीज़ होता है और न्यूज़ अलग चीज़ होती है ना, न्यूज़ ध्यान रखिएगा। तो जो पेपर हम लोग पढ़ते हैं ना, जनरली क्या होता है, हम लोग सूचना को पढ़ते हैं, यहाँ लड़ाई हो गया, वहाँ गाड़ी चोरी हो गई, ऐसे सूचना हो गया, न्यूज़ का मतलब होता है कि जिस समाज जिस टॉपिक को पढ़ के हमको विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़े या किसी के विश्लेषण की बातों को सुनने की आवश्यकता पड़े उसको बोलते हैं न्यूज। आपका गला हिलता है, ठीक है, नॉर्मल वे में हम पहला बार उसको कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ को बार बार आप ऐसे रखी हुई हो है ना, हाथ को अपने दोनों पैर पे ऐसे रखना जाता है, आप ऐसे झुक के बैठे हो, लगता है क्या कि कितना दबा कुचला इंसान बैठा पड़ा थोड़ा सा है ना, पीछे आपके पास चेयर दिया हुआ है, इसका यही मतलब होता है कि अपने पीठ को हम यहाँ पे सहारा दे ताकि हमारे बैकबोन पे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, दर्द ना हो, इसीलिए यहाँ जमाना हो बैठ, तो ऐसे बैठना है पीछे चेयर में, ऐसे दोनों हाथ रखे, एक सिंपल वे में आपको बैठना है पोस्चर्स में, राइट। अच्छा, जो कैग को हटाने की प्रक्रिया सर ने पूछा था है ना, तो आँखें नीचे कर ली दोनों से, सोचने लगी थी आप, वीडियो दिखाऊंगा आपको है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस समान सा प्रश्न है, आपको जवाब बिल्कुल होना चाहिए है ना। चौहद्दी आपने सही बताया है, लेकिन चौहद्दी बोलती हूँ कि कोशिश करती हूँ, कोशिश क्यों करना है, इसमें कोशिश वहाँ किया जाता है जहाँ कन्फ्यूजन हो आपको, जहाँ आपके पास ज्ञान की कमी हो, तो जब हाँ आप बोलना है कि सर मैं अनुमति से बताना चाहूँगी, ओके वो समझ जाएंगे अनुमति का मतलब, उस समय भारत का हिस्सा आज़ादी के बाद 15 देश
पूर्व मोहन यही सब बांग्लादेश में है, पश्चिम मोहन यही सब भारत में है, इसीलिए इसको पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी क्या है कि आप जो सॉरी बोलती हैं ना, आपके चेहरे पर एक अजीब सा होता है ना आकर्षण है, वो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा आपके बोर्ड मेंबर के पास में। सॉरी बोलती हूँ तो आपके मुस्कान का बहुत अच्छा स्टाइल है, जल्दी बहुत बच्चों नहीं देखते हैं सॉरी का अजीब सा और जिसको बोलते हैं चेहरे पर वो है, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके बोर्ड के मेम्बर के पास में, है ना। और जो भी चीज़ बोलती हूँ गलत बोलती हूँ कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, ये कॉन्फिडेंट है ना, शायद घर की बड़ी बच्ची हो तो उसके कारण से रह रहा हो, कॉन्फिडेंट आप में बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि जब हम गलत बात बोल रहे हो या गलत उत्तर दे रहे हो तो कॉन्फिडेंट हमको नहीं होना है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन को बैलेंस करती हो, बैलेंस मतलब जैसे कि सर अब कुछ पूछ रहे थे बीच में सर ने काउंटर किया तो आपने क्या हुआ कि सर की तरफ देखा और उनके जवाब देने के बाद में सीधा सर के पास जंप की, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन को बैलेंस करना। ये गुण आप में है, ये इंटरव्यूअर का बहुत बड़ा गुण होता है बच्चों में, बहुत मेहनत के बाद आता है ऐसा गुण कि किसको को कितना ध्यान देना, ये आपको बहुत अच्छा मार्क दिलवाएगा। आप सुनती सबकी बात है, मतलब सबों की बात को अच्छे से सुनती हो, समझती हो, तौलती हो, उसके बाद आप जवाब देती हो, बहुत अच्छा गुण है आपका। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, उस पर ध्यान रखिएगा। आपने एक एग्जाम्पल पूछा गया था कि आप ऑडिटर में कितना ईमानदार रहोगी, बताई होगी मैं घर में पापा पैसा देते थे मैं रखती थी, तो जब आप ये कहानी सुना रही थी ना आपके चेहरे पर ऑनेस्टी झलक रहा था, तो बोर्ड वाले समझ जाए कि हाँ वास्तव में इनका जो करेक्टर है वो काफ़ी ऑनेस्ट है। तो कुछ भी चीज़ों को बोलना है ना तो उस बोली को अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से तालमेल बैठा के बोलिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। और बाकी आपका पहला इंटरव्यू है रिमशिम, इसको कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा आप मौक देना चाहो, आपको जहाँ देना हुआ लेकिन मौक जरूर दो, आपके अंदर का डर खत्म होगा, इरिटेशन खत्म होगा, घबराहट खत्म होगा, तुम नहीं बोल पाओगे, बोला आपकी उम्र कम है, नौकरी हो जाएगा तो जीवन बन जाएगा इसमें आपका, है ना। आपको जहाँ ठीक लगता है कि जहाँ हम पे काम किया जा सके आप वहाँ पे मौक जरूर देना, कम से कम इंटरव्यू से पहले 10-12 मौक दे दो। और इसको धूली नहीं हो, धूल के पहनी हो, यहाँ कुछ सूत लहरा रहा है ना, हाँ साड़ी में ही उसको काट लेना है ना। बाकी होगा सिलेक्शन, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा है।